हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? क्या आज आप कुछ नया सीखने के लिए तैयार हैं? बहुत बढ़िया। इकाइयों में परिवर्तन। इस वीडियो में हम सीखेंगे भार की इकाइयों में परिवर्तन, धारिता की इकाइयों में परिवर्तन, लंबाई की इकाइयों में परिवर्तन। बच्चों, भार की इकाइयों को तो तुम पढ़ ही चुके हो ना, तो बताओ 1 किलोग्राम बराबर कितने ग्राम होता है? दीदी, 1000 ग्राम। बिल्कुल सही। और 2 किलोग्राम? देखो, 2 किलोग्राम को हम लिख सकते हैं 2 × 1000 ग्राम, है ना? तो गुना करके क्या मिलेगा? 2000, यानी 2 किलोग्राम 2000 ग्राम के बराबर होगा। ठीक इसी तरह से 3 किलोग्राम बराबर 3 × 1000 ग्राम बराबर 3000 ग्राम होगा। और 4 किलोग्राम कितना होगा? 4 × 1000 ग्राम यानी 4000 ग्राम होगा, है ना दीदी? हाँ चटर। अच्छा, अब क्या तुम बता सकते हो 4 किलोग्राम और 500 ग्राम कितने ग्राम के बराबर होगा? ये कैसे बताएंगे दीदी? 4 किलोग्राम बराबर होगा 4000 ग्राम के, है ना? तो बस हम 4000 ग्राम और 500 ग्राम को जोड़ देंगे, हमें मिलेगा 4500 ग्राम। यानी 4 किलोग्राम 500 ग्राम बराबर होगा 4500 ग्राम के। समझ गए ना? ऐसे ही 5 किलोग्राम और 467 ग्राम बराबर होगा 5000 ग्राम प्लस 467 ग्राम यानी 5467 ग्राम। तो बच्चों, इस तरह से हम किलोग्राम को ग्राम में बदल कर लिख सकते हैं। अच्छा, अब मुझे बताओ 1000 ग्राम कितने किलोग्राम के बराबर होगा? बताओ बताओ। 1 किलोग्राम के बराबर होगा। हाँ, एकदम सही। ऐसे ही 2000 ग्राम कितने किलोग्राम के बराबर होगा? 2 किलोग्राम के, है ना दीदी? हाँ चटर। ऐसे ही 3000 ग्राम 3 किलोग्राम के बराबर होगा और 4000 ग्राम 4 किलोग्राम के बराबर, ठीक है? अच्छा, यहाँ पर देखो, इस सवाल में हमें 7295 ग्राम को किलोग्राम और ग्राम में बदल कर लिखना है। दीदी, इसे कैसे लिखेंगे? देखो, ये तो तुम जानते ही हो ना कि ग्राम और किलोग्राम की इकाइयों में 1000 का अंतर है। इस संख्या में देखते हैं इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, यानी हजार के स्थान पर है 7, तो हम लिखेंगे 7 किलोग्राम। अच्छा, हजार के स्थान यानी 7 के दाईं ओर वाले बाकी बचे अंक चले जाएंगे ग्राम में, तो हम लिखेंगे 295 ग्राम यानी 7295 ग्राम बराबर होगा 7 किलोग्राम 295 ग्राम। समझ गए ना? बच्चों, याद है कि हजार के स्थान वाला अंक और उसके बाईं ओर वाले अंक जाते हैं किलोग्राम में, और हजार के स्थान के दाईं ओर वाले बाकी बचे अंक जाते हैं ग्राम में। इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं ना, 7295 ग्राम बराबर 7000 ग्राम प्लस 295 ग्राम। हाँ दीदी। अब
7000 ग्राम को लिख लेते हैं 7 किलोग्राम और 295 ग्राम को ऐसे ही लिख लेते हैं। तो ये होगा 7 किलोग्राम 295 ग्राम। अच्छा, अब 5300 ग्राम को किलोग्राम और ग्राम में कैसे लिखेंगे? इसको हम लिखेंगे 5000 ग्राम प्लस 300 ग्राम, तो ये होगा 5 किलोग्राम और 300 ग्राम, है ना दीदी? शाबाश पटर। तो बच्चों, इस तरह से हम ग्राम को किलोग्राम और ग्राम में बदल कर लिख सकते हैं। चलो अब धारिता की इकाइयों के बारे में बात करते हैं। तो बताओ, एक लीटर में कितने मिलीलीटर होते हैं? दीदी, 1000 मिलीलीटर। हाँ, जैसे हमने ग्राम और किलोग्राम की इकाइयों में संबंध देखा, उसी तरह से इन्हें भी समझेंगे। तो 2 लीटर बराबर होगा 2 × 1000 मिलीलीटर या 2000 मिलीलीटर, और 3 लीटर कितने मिलीलीटर के बराबर होगा? 3 × 1000 मिलीलीटर या 3000 मिलीलीटर। दीदी बिल्कुल सही। अच्छा, अब बताओ 3 लीटर 500 मिलीलीटर में कितने मिलीलीटर होंगे? 3 लीटर बराबर होगा 3000 मिलीलीटर, तो हम 3000 मिलीलीटर और 500 मिलीलीटर को जोड़ देंगे, हमें मिलेगा 3500 मिलीलीटर, है ना दीदी? हाँ, शाबाश चटर, तुमने तो लीटर को मिलीलीटर में बदलना सीख लिया है। चलो अब जल्दी से बताओ 1000 मिलीलीटर कितने लीटर के बराबर होता है? जल्दी जल्दी दीदी, 1 लीटर के बराबर। हाँ, तो 2000 मिलीलीटर कितने लीटर के बराबर होगा बताओ? बराबर होगा। बिल्कुल सही। ऐसे ही 3000 मिलीलीटर 3 लीटर के बराबर, ठीक है? जी दीदी। अच्छा, अब 4560 मिलीलीटर को लीटर और मिलीलीटर में कैसे लिखेंगे? देखो, इसको हम 4000 मिलीलीटर प्लस 560 मिलीलीटर लिख सकते हैं ना? हाँ दीदी। अच्छा, 4000 मिलीलीटर बराबर होता है 4 लीटर के, तो 4560 मिलीलीटर को लिखेंगे 4 लीटर 560 मिलीलीटर, ठीक है ना? जी दीदी। तो बच्चों, इस तरह से हम मिलीलीटर को लीटर और मिलीलीटर में बदल कर लिख सकते हैं। बस ये याद रखना कि हजार के स्थान वाला अंक और उसके बाईं ओर वाले अंक जाते हैं लीटर में, और हजार के स्थान के दाईं ओर वाले बाकी बचे अंक जाते हैं मिलीलीटर में। चलो अब लंबाई की इकाइयों को बदलना भी सीख लेते हैं। तो सबसे पहले चटर, तुम बताओ 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? दीदी, 100 सेंटीमीटर। बिल्कुल सही। तो 2 मीटर में कितने सेंटीमीटर होंगे? दीदी, 2 × 100 यानी 200 सेंटीमीटर होंगे। हाँ, ऐसे ही 3 मीटर में होंगे 300 सेंटीमीटर और 4 मीटर में होंगे 400 सेंटीमीटर। अच्छा, अब यदि इसका उल्टा पूछा जाए कि 100 सेंटीमीटर बराबर कितने मीटर होगा? दीदी, 1 मीटर। एकदम सही। ऐसे ही 200 सेंटीमीटर बराबर 2 मीटर, 300 सेंटीमीटर बराबर 3 मीटर, 400 सेंटीमीटर बराबर 4 मीटर, ठीक है? अच्छा,
अब बताओ कि 470 सेंटीमीटर कितने मीटर होगा? देखो, 470 सेंटीमीटर को लिख लेते हैं 400 सेंटीमीटर प्लस 70 सेंटीमीटर, ठीक है? तो ये होगा 4 मीटर और 70 सेंटीमीटर, है ना? आसान। बस याद रखना कि सेंटीमीटर और मीटर की इकाइयों में 100 का अंतर होता है। तो सैकड़े के स्थान वाला अंक और उसके बाईं ओर वाले अंक जाते हैं मीटर में, और सैकड़े के स्थान के दाईं ओर वाले बाकी बचे अंक जाते हैं सेंटीमीटर में। बच्चों आप बताओ, दो शहरों के बीच की दूरी कौन सी इकाई में मापते हैं? किलोमीटर में दीदी। शाबाश पटर। तो बताओ, 1 किलोमीटर में कितने मीटर? दीदी 1000 मीटर। हाँ, ऐसे ही 2 किलोमीटर में 2 × 1000 यानी 2000 मीटर, 3 किलोमीटर में 3000 मीटर, ठीक है? चलो अब बताओ, 1000 मीटर में कितने किलोमीटर? दीदी 1 किलोमीटर। हाँ, ऐसे ही 2000 मीटर में 2 किलोमीटर, 3000 मीटर में 3 किलोमीटर। समझ गए ना? क्या तुम बता सकते हो 3500 मीटर में कितने किलोमीटर होंगे? दीदी 3500 मीटर को लिख लेते हैं 3000 मीटर प्लस 500 मीटर, यानी ये हुआ 3 किलोमीटर 500 मीटर, है ना दीदी? शाबाश पटर। बस ये याद रखना कि हजार के स्थान वाला अंक और उसके बाईं ओर वाले अंक जाते हैं किलोमीटर में, और हजार के स्थान के दाईं ओर वाले बाकी बचे अंक जाते हैं मीटर में। बच्चों, तुमने इकाइयों में परिवर्तन की अवधारणा को समझ लिया है। अब तुम्हें गतिविधियां भी करनी हैं, जिससे तुम इस अवधारणा को खेल खेल में और अच्छे से समझ पाओगे। और हाँ, इसके बाद वर्कबुक में दिए प्रश्नों का खूब अभ्यास भी करना है, ठीक है? ओके बच्चों, बाय बाय। बच्चों अब मैं जाती हूँ, कल फिर मिलने आती हूँ। इंग्लिश में अब होंगी बातें, मैथ सीखेंगे हंसते गाते। पहेली किस्से और कहानी सुनना अब तुम मेरी जुबानी। बात पड़ी है सीधी सीधी, मैं हूँ आपकी संपर्क दीदी। आपको ये वीडियो देखकर मजा आया ना? अगर आप इस वीडियो से संबंधित अन्य संसाधन जैसे कि अन्य वीडियो, गतिविधियाँ, क्विज इत्यादि देखना चाहते हैं, तो अभी डाउनलोड करें संपर्क स्मार्ट शाला मोबाइल एप्लीकेशन। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे जरूर लाइक करें। और भी नए नए वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करना न भूलें। मिलते हैं बहुत जल्द YouTube और संपर्क स्मार्ट शाला ऐप पर।